अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत यूनानी। मैं हकीम जाकिर हुसैन, इंडिया यूपी से। हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो आँख मदार पर चल रहा है। हमने इसकी दो वीडियो बना दी हैं और आज हमारा ये तीसरा पार्ट है, आँख मदार श्वास रोग पर कैसे काम करता है। आँख मदार की जो फूल होते हैं उसमें अंदर एक लौंग सी होती है जो फिरकनी टाइप होती है, वे लेनी है आपको 50 ग्राम, और उसमें काली मिर्च 6 ग्राम मिलाकर इन सभी को सुखाकर बारीक सफूफ बना लें, बिल्कुल महीन पाउडर बना ले, और फिर इसको हल्का सा पानी लगाकर मटर के समान गोलियां बना ले। 1 से 2 गोली सुबह नाश्ते के बाद ले तो आप देखेंगे कि श्वास रोग चाहे जिसका जितना भी ज़्यादा हो उसमें है श्वास रोग एकदम रुक जाता है, उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है और कुछ दिन खिलाने से जड़ से चला जाता है। इसी प्रकार आँख मदार के दूसरा प्रयोग श्वास रोग पर, आँख मदार की जड़ का छिलका लें और उसको आँख के दूध में भिगोकर एक बार उसको तर कर ले आग के दूध में, और फिर उसको सुखाकर महीन पाउडर बना ले। इस पाउडर को आप 10 ग्राम लें। 10 ग्राम लेने के बाद उसमें त्रिकुटा 25 ग्राम और श्रृंग भस्म 5 ग्राम और गोदंती भस्म 10 ग्राम मिलाकर खूब अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम शहद के साथ लेने से पुराने से पुराना श्वास रोग भी नष्ट हो जाता है, उसमें लाभ होता है। इसी प्रकार आँख मदार पर श्वास रोग में तीसरा प्रयोग आँख के पत्तों पर जो सफ़ेद छार सा चिपका रहता है उसे ले, उसे आप 5 से 10 ग्राम तक गुड़ में लपेट कर गोली बनाकर खाने से श्वास काश, खांसी, दमा इन सभी में आराम हो जाता है। इसी प्रकार श्वास रोग पर, खांसी पर आँख मदार का अगला प्रयोग पुराने से पुराने आँख की जड़ लें, उसको छाया में सुखा ले, और छाया में सुखाकर उसको फिर आग लगाकर उसकी राख बना ले। इसमें से कोयला अलग अलग कर दे और 1 से 2 ग्राम राख को शहद या पान में रखकर खाने से श्वास काश, खांसी, दमा इसमें लाभ हो जाता है। इसी प्रकार श्वास काश, खांसी पर इसका अगला प्रयोग आँख मदार की कोमल शाखा लें और फूलों को पीसकर, शाखा और फूलों को पीसकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में घी में सेक ले, फिर इसमें पुराना गुड़ मिलाए और इसका पाक बना नित्य, इसका पाक बना ले गुड़ में मिलाकर और नित्य सुबह शाम सेवन करे आधा आधा चम्मच। इससे पुरानी खांसी,
हरा पीला दुर्गंध युक्त जो चिपचिपा कफ निकलता है उसमें शीघ्रता से आराम हो जाता है। इसी प्रकार आंख मदार की जड़ की छाल लें 250 ग्राम, इसको सुखाकर आप बिल्कुल महीन पाउडर बना लें, और 250 मिलीग्राम सुंठी का चूर्ण, सुंठी ये ध्यान रखें सुंठी है एक जड़ी बूटी, उसका चूर्ण मिलाए और 3 ग्राम ये सब मिक्स करके 3 ग्राम की मात्रा में शहद में मिक्स करके सेवन करें सुबह शाम। इससे कफ युक्त खांसी जो बलगमी खांसी होती है उसमें सांस में आराम मिल जाता है और दमे में भी राहत मिल जाती है। इसी प्रकार आँख मदार पर अगला प्रयोग, छाया में सूखे हुए आँख मदार के पुष्प यानी के फूल, इसके हम वजन त्रिकुटा मिलाए। त्रिकुटा जो है, त्रिकुटा कैसे बनता है ये भी हम आपको बता दें, सौंठ पीपल और काली मिर्च ये तीनों हम वजन लेकर जो पाउडर बनता है उसे त्रिकुटा कहते हैं। छाया में सूखे हुए पुष्पों का चूर्ण उसके हम वजन त्रिकुटा चूर्ण ले उसमें मिला लें, और उसका जवाखार एकत्र कर ले और अदरक के रस में मिलाकर खरल करे। खरल करने के बाद मटर के समान गोलियां बना ले और छाया में सुखा ले। दिन रात में 2 से 4 गोली मुंह में रखने से, चूसने से श्वास कांस में आराम मिल जाती है, खांस में खांसी भी ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा लाभ है इसका, इसका प्रयोग करें। इसी प्रकार आँख के ताजे फूलों को 2 किलो पानी, आँख के ताजे फूलों का 2 किलो रस निकाल लें। इसमें आँख का ही दूध 250 ग्राम और गाय का घी 1.5 किलो मिलाकर मंद मंद आग पर पकावे। फिर घृत यानी के घी शेष रहने पर इसको छान ले और बोतल में रख ले। इस घी को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गाय के 250 ग्राम पकाए हुए घी, पकाए हुए दूध में मिलाकर सेवन करने से आंतों की कृमि, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वे नष्ट होकर हो जाते हैं और लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और पाचन शक्ति दुरुस्त हो जाती है, तथा अर्श में भी यानी कि बवासीर के जो मस्से होते हैं, बवासीर होती है उसमें भी लाभ होता है, और शरीर में व्याप्त किसी भी तरह का विष का प्रभाव हो वह भी खत्म हो जाता है, उसमें भी लाभ हो जाता है। परंतु वह प्रयोग कोमल प्रकृति वाले इंसानों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको नुकसान होगा। इसी प्रकार पांडु रोग में, पीलिया रोग में आँख के 24 पत्ते लेकर 50 ग्राम मिश्री मिलाकर खरल करें, खूब अच्छी तरह से घोटे। जब वह मिक्स हो जाए फिर चने के समान गोलियां बना ले। दिन में 3 बार जो बड़े आदमी हैं, वयस्क आदमी हैं, उनको दिन में 3 बार 2-2 गोली सेवन कराने से पांडु रोग, पीलिया रोग,
बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यह प्रयोग केवल 7 दिन करें, 7 दिन में पूर्णतः आराम मिल जाता है और इसमें तेल, खटाई, मिर्च आदि का परहेज करें। पांडु पी लिया पर इसी तरह इसका दूसरा प्रयोग, अर्कमूल की छाल ले, यानी कि आँख मदार की जड़ की छाल ले, 1.5 ग्राम छाल का पाउडर लेकर काली मिर्च 12 नग ले और पुनर्नवामूल 2 से 3 ग्राम पानी में घोटकर फिर उसे छानकर दिन में 2 बार पिलावे। गर्म और स्निग्ध चीज़ों से परहेज करें, इससे पांडु रोग पीलिया रोग समूल नष्ट हो जाता है। इसी तरह पांडु रोग पर, पीलिया पर इसका अगला प्रयोग, आग का पका हुआ पत्ता, जो पीला पत्ता होता है, वह 1 नग ले, उसको साफ़ सुथरा करके उस पर 250 मिलीग्राम चूना लगाकर, 250 मिलीग्राम, ये ध्यान रखें, 1/4 ग्राम होता है ये, 250 मिलीग्राम चूना लगाकर बारीक पीस लेवें और चने के समान गोलियां बनाकर 2-2 गोली रोगी को सुबह खाली पेट पानी से निगलवा दें। इसमें आप दही और चावल लेना चाहिए, बाकी कुछ नहीं लेना चाहिए। 2-4 दिन खाने से ही इससे पांडु पीलिया रोग, कामला रोग सब ठीक हो जाता है। इसी प्रकार पांडु, कामला पर, पीलिया पर अगला प्रयोग, आँख मदार की कोमल जो छोटे छोटे आगे पत्ते होते हैं टहनी पर, वे छोटे छोटे कोमल पत्ते 1 नग ले, कोमल पत्ता सुबह निहार मुंह खाली पेट, पत्ते को मुंह में रखकर चबा चबा कर खा लेना चाहिए। इसके खाने से 3 से 5 दिन में पांडु, पीलिया, कामला रोग सब ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा पार्ट 3 था। इससे आगे हम आँख मदार के प्रयोग पार्ट नंबर 4 में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इससे आगे सुनने के लिए हमारे पार्ट नंबर 4 को देखें, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसी के साथ चलते हैं, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।